स्टूडेंट वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सब कैसे हो बेटा? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बेटा हम आपकी हिंदी व्याकरण में पाठ 28 वाक्य रचना ये पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग बताए थे, उद्देश्य और विधेय। फिर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैंने कल करवा दिए थे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आठ भेद। कौन कौन से? देखिए, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। देखो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के करने या होने, ठीक है, होने या करने का बोध होता है, तो वो होते हैं विधानवाचक। विधान होता है किस रीति से, किस ढंग से, किस तरीके से, ठीक है, ये काम किया जा रहा है, तो ये होते हैं विधानवाचक। जैसे देखो, वर्षा हो रही है। अब ये क्या है? ये विधि का विधान है, वर्षा हो रही है। ठीक है, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। अब क्या है? माली फूल कहाँ से तोड़ेगा? बगीचे से। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? विधानवाचक वाक्य। अब दूसरा आता है आपका निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? देखो, जैसे निषेध, निषेध का अर्थ होता है मनाही, मना करना। जब हम किसी कार्य को मना कर देते हैं, ठीक है, जिसमें जिस कार्य में ना का बोध होता है, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये कौन सा हो गया? निषेध वाचक। तीसरा होता है आपका प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य। अब देखो, प्रश्न वाचक यानी कि प्रश्न, जिन वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? और इसे ऐसे वाक्य में पीछे क्या लगता है? ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब आता है आपका आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? आज्ञा, जिसमें आज्ञा दी जाए, प्रार्थना दी जाए या उपदेश का भाव हो, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश का भाव हो, वो होता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, ठीक है, कृपया मेरा यह काम कर दीजिए, ठीक है, तो कृपया ये क्या हो गया? प्रार्थना हो गई। सदा सत्य बोलो, ये क्या है? उपदेश दिया जा रहा है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, तो ये कौन से वाक्य होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। अब फिफ्थ आता है आपका विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक वाक्य, विषमयादि बोधक। देखो, विषमय ऐसे वाक्य जिनमें विषमय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, और इन वाक्यों में ये चिन्ह लगा रहता है, ये विषमय सूचक चिन्ह। जैसे देखो, वह कितना सुंदर फूल है, ठीक है, वह कितना सुंदर फूल है, तो इसमें वह, छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ पर घृणा का भाव हो गया,
ठीक है, जहां पर घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य इनके भाव प्रकट होते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए सिक्स्थ आपका आता है इच्छा बोधक, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, ठीक है, या अभिलाषा की जाए तो वो होते हैं इच्छा बोधक वाक्य। जैसे हम कहते हैं कि भगवान करे आपकी आपकी आयु लंबी हो, ठीक है, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो ये क्या है, हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कौन से वाक्य हो गए? इच्छा बोधक वाक्य। अब आता है आपका सेवन संदेह, संदेह बोधक वाक्य। संदेह बोधक वाक्य ये क्या होता है? संदेह, जिसमें संदेह की भावना होती है, संदेह या संभावना, ये ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना की भावना होती है। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, ठीक है, शायद आज वर्षा हो। अब इसमें शायद यानी कि हमें पक्का नहीं पता कि वर्षा होगी या नहीं होगी, तो इसमें क्या है, ये आपका ये संभावना की जा रही है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? संदेह बोधक। शायद आज मेरा भाई दिल्ली जाए, अब पक्का नहीं पता है कि जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये कौन से हो गए? संदेह बोधक वाक्य। अब आपका एट आता है शर्त बोधक। आपकी बुक में शर्त बोधक दिया गया है और इसको और क्या बोलते हैं, या संकेत, संकेत सूचक, संकेत सूचक वाक्य। संकेत सूचक वाक्य क्या होते हैं? संकेत जिसमें संकेत दिया जा रहा है, यानी कि किसी एक काम के करने, ठीक है, या उसके न होने, ठीक है, न होना किसी दूसरे बात बात पर या कार्य पर होने पर निर्भर होता है। कोई दूसरी बात होती है तो उसका जो कार्य होता है या जो कोई दूसरा कार्य होता है उस पर होने पर निर्भर करता है। अब देखो जैसे यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अब इसमें क्या है, वर्षा अच्छी होगी, संकेत दिया जा रहा है किसका? वर्षा का। यदि वर्षा अच्छी होगी तो क्या होगा? फसल अच्छी होगी। तो ये क्या है, ये काम क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि जो पहला काम है वर्षा होना, और वो किस पर निर्भर कर रहा है? दूसरे काम पर, फसल अच्छी होगी। तो ये कौन सा हो गया आपका? शर्त बोधक या संकेत सूचक। देखो जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो इसमें मेहनत करोगे तो ही तो सफल होगे, ठीक है, तो संकेत दिया जा रहा है कि मेहनत करो और सफल हो जाओ। तो आपके ये अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और शर्त बोधक या संकेत सूचक वाक्य। ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। बेटा ये पीडीएफ मैंने भेज दी है और सभी को अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर साफ सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और इस लेसन को अच्छे से लर्न करना है और एक बार और रीडिंग लगानी है। थैंक यू।